हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, ये बीएससी का जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस तरह से उनको अपने एग्जाम के अंदर लिखना है, क्योंकि हम आपको इतना बताएंगे कि कम से कम आपको तरीका आना चाहिए लिखने का कि किस तरह से हमें अगर क्वेश्चन आ जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर या एवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर, तो हमें किस तरह लिखना है। देखिए, आप जानते हैं कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है रिमूव करना मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर, उनको बाहर निकालना, रिमूव करना। तो उसमें कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके किडनीज हैं, आपका यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है या यूरिथ्रा है, ये जो ऑर्गन्स हैं इनका अच्छा खासा रोल रहता है एक्सक्रेशन के अंदर, एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाने में ये जो है इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया ये एक किस्म की किडनी, आप मान लीजिए किडनी होती है, इसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया। ये कैसी होती है हम नीचे बात करेंगे। खासकर हम बात करेंगे फ्लैट वर्म्स की। फ्लैट वर्म्स के अंदर आपको प्रोटोनेफ्रिडिया किडनी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है इसका प्राइमरी, जो फ्लैट वर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इन्वॉल्व्स प्रोटोनेफ्रिडिया। और प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का विद सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, फ्रेम सेल्स होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर और एक्सक्रेशन के अंदर ऑफ वेस्ट मटेरियल। हम बात करें प्रोटोनेफ्रिडिया की। प्रोटोनेफ्रिडिया के बाद आपको बच्चों क्या पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो मेटानेफ्रिडिया होता है, मेटानेफ्रिडिया क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी अर्थवर्म के अंदर देखने को मिलेगा, और आपको बहुत सारे और भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं जहां पे मेटानेफ्रिडिया वहां देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये ट्यूबुलर सिस्टम होता है विद, इनके अंदर भी सिलिएटेड फ्यूनल्स होते हैं जो फिल्टर करते हैं बॉडी फ्लूइड्स को और एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट थ्रू ओपनिंग्स। उसके बाद तीसरा आता है जी मेलफिजियन ट्यूबुल्स। मेलफिजियन जो ट्यूबुल्स होते हैं, इंसेक्ट्स की बात करें या हम कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट सिस्टम होता है जिन्हें मेलफिजियन ट्यूबुल्स कहते हैं, जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहां से, हीमोलिम्फ जो इंसेक्ट का ब्लड होता है डायरेक्टली इनटू द इंटेस्टाइन, तो जहां पे जाके वो एलिमिनेट होते हैं। फिर आता है जी नंबर चार, नेफ्रॉन्स, जो आपकी किडनीज के अंदर होता है, नेफ्रॉन्स इनवर्टिब्रेट्स। मोस्ट एडवांस्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है ये आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। खासकर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स के अंदर जो किडनी होती है ये प्राइमरी ऑर्गन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर एक्सक्रेशन के लिए। किडनीज हैव, किडनीज के अंदर बहुत सारे फंक्शनल यूनिट होते हैं बच्चों, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किडनीज का, जो क्या करते हैं, जो फिल्टर करते हैं ब्लड को, रीअब्सॉर्ब करते हैं एसेंशियल जो सब्सटेंसेस होते हैं, और एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसके बाद बच्चों आता है एवोल्यूशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्नेथेंस की, एग्नेथेंस वो होते हैं जॉलेस फिशेस को हम कहते हैं एग्नेथा। ठीक है, प्रिमिटिव जॉलेस फिश जो थी, हैग फिश जैसे है, लेम्प्रे है, इनके अंदर सिंपल किडनी होती है जो कि प्राइमरी रेगुलेट करती है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसके बाद बच्चों आता है कार्टिलेजनस फिश, जिसमें शॉक की बात करें और एज की बात करें, कार्टिलेजनस होती है जो भूनी नहीं होती है उसको हम कार्टिलेजनस कहते हैं। कार्टिलेजनस फिशेज हैव मोर डेवलप्ड किडनीज दैट हेल्प मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस की बात करें, डीलिंग विद द साल्ट वाटर एनवायरमेंट, दे हैव ए मोर एडवांस्ड ग्लोमेरुलस एंड टेब्यूल सिस्टम। तो इनके यहाँ क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है और टेब्यूल सिस्टम जो है कार्टिलेजनस फिशेज के अंदर पाया जाता है। और हम बोनी फिश की बात करें, बोनी फिश को आप लॉस्ट फिश भी कहते हैं, इनके यहाँ भी जो किडनी होती है दैट एड इन एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजन फेस्ड एज अमोनिया और यूरिया, दे हैव मोर इफिशियंट किडनीज दैट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद हम एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस की जो किडनी होती है क्या होती है, एम्फीबियंस हैव किडनीज दैट आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है ये, और फैसिलिटेट करती हैं ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, तो दे एक्सक्रीट वेस्ट एज यूरिया और यूरिक एसिड।
रिप्टाइल्स की बात करें, जो रिप्टाइल्स क्या करते हैं, हैव मोर एडवांस किडनीज होते हैं जो अलाउ करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. सम रिप्टाइल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड जो कि कंजर्व वाटर होता है इन एरिड एनवायरमेंट के अंदर. बोट्स एंड मैमल्स की बात करें, बोट्स एंड मैमल्स जो है इनके अंदर हाईली इफिशियंट किडनीज होती है. बोट्स आप जानते हैं एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड विच सेव्स वाटर, जो कि वाटर को सेव करता है. मैमल्स की यहाँ जो किडनी होती है दैट कॉन्सेंट्रेट यूरिन एंड रेगुलेट द बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो कौन करता है, वो किडनी करती है. ओके, अब हम समरी में देखें जो एवोल्यूशन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, स्पेशली हम बात करें किडनीज की, शोकेसेस ए प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल स्ट्रक्चर्स इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म्स टू मोर कॉम्प्लेक्स एंड इफिशियंट सिस्टम इन हायर वर्टिब्रेट्स. तो मतलब क्या है इसका, अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप प्रिमिटिव की बात करें वहां पे आपको बहुत ही सिंपल आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, की बात करें ईच स्टेज ऑफ एवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स एडॉप्टेशंस टू स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स एंड द नीड टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस डिस्पाइट वेरिंग कंडीशंस. तो दिस एवोल्यूशनरी जर्नी इलस्ट्रेट्स द एडॉप्टेशंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स टू डाइवर्स इकोलॉजिकल नीड्स एंड हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द किडनीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो ये थोड़ा बहुत हमने आपको बताया कि किस तरह से आप नोट बना सकते हैं, किस तरह से आप जो अपना है एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको वहां पे अगर एवोल्यूशन के ऊपर या फिर किडनी के ऊपर या फिर आपको स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये जो चीजें हैं मेन चीज जो ये है वो क्या है कि कौन सा एनिमल जो है वो क्या एक्सक्रीट करता है, क्या वो यूरिक एसिड करता है, क्या वो यूरिन करता है, क्या वो यूरिया करता है. तो आपको ये चीजें समझनी है, ठीक है ना, और कौन कौन से किसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया है या फिर आप कह सकते हैं नेफ्रॉन्स जो है कहाँ कहाँ होते हैं, किस जगह पे होते हैं. तो ये चीज जो है आपको बेसिक चीजें जो याद होंगी. ठीक है.